दोस्तों यह है स्ट्रेंजर कंपनी का SPB4 के ये एम्पलीफायर ख़राब हो गया है। देखिए हम इसको लाइन देता है, देखिए हम लाइन देते हैं, हम लाइन दे दिया है। चैनल ए में लेवल लाइट रेड जल रहा है और चैनल बी में ये देखिए पिग लाइट जलता है और चैनल ए में देखिए वो जो लेवल लाइट है उसका जो रेड है वो जलता है। तो देखिए दोस्तों कैसे हम इसको ठीक करते हैं, हम इसको खोल लेते हैं। अभी हम इसको बंद कर देते हैं और एक बार हम लाइन देते हैं। देखिए लाइन दे दिया है, देखा वो जो ऑटो होता है वो भी नहीं हो रहा है। लाइन देने से वो पावर लाइट जल जाता है और ऐसे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हम ये जो दोनों साइड का बोर्ड इसको हम खोल लिया है। देखिए दोनों चैनल में प्रॉब्लम है इसलिए दोनों साइड का हम बोर्ड खोल दिया है। अभी हम जो चैनल ए है, ये चैनल ए में जो मॉस्फेट है, ये मॉस्फेट को हम चेक करेंगे। एक साइड के हम ठीक करेंगे। अब पहले हम ये जो चैनल ए है इसको हम ठीक करेंगे। तो इसका जो मॉस्फेट है इसको हम मीटर से चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम मीटर को बाजार रेंज में रख दिया है। अभी ये जो चैनल इस साइड का मॉस्फेट हम चेक करेंगे। देखिए इसको हम चेक करते हैं। देखिए ये मॉस्फेट शॉर्ट दिखाता है। मॉस्फेट शॉर्ट दिखाता है। हम इस चैनल को खोल लेंगे। तो हम चैनल को ए साइड चैनल को खोल लिया है। दोस्तों हम फिर से जो ए साइड का जो चैनल है उसको हम खोल लिया है। उसको हम मीटर से अभी चेक कर लेंगे। हम बाजार रेंज में मीटर को रख दिया है। अभी हम ऊपर पास चेक किया है, अभी नीचे ए साइड का हम चेक करेंगे। देखिए नीचे साइड भी शॉर्ट दिखाता है। शॉर्ट दिखाता है तो हम इसको खोल के चेक कर लेंगे कौन सा मॉस्फेट खराब हुआ है। पहले हम ये जो ऊपर साइड है इस साइड का मॉस्फेट हम खोल लेते हैं। खोल के हम चेक करेंगे। प्लेट का जो ऊपर जो प्लेट था वो हमने खोल दिया है। अभी मॉस्फेट को हम खोलेंगे। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो छोटा वाला मॉस्फेट था
ये मॉस्फेट देखिए ये बास्ट हो गया है, ये दोनों भी दोनों बास्ट हो गया है। देखिए ये जो मॉस्फेट है बास्ट हो गया है, तो इसका नंबर है IRAP150N 150N इसका नंबर है। तो ये दोनों बास्ट हो गया है, और भी दोनों है, उसको हम खोल के देख लेते हैं। दोस्तों ये जो हमने मॉस्फेट खोला है, ये मॉस्फेट ठीक है। इस मॉस्फेट का नंबर है 3060PT। तो ये मॉस्फेट ठीक है, इसको हम फिर से लगा देते हैं। अभी हम ये जो मॉस्फेट है इसको हम चेक कर लेते हैं। ये मॉस्फेट भी हम खुल के चेक करेंगे। दोस्तों अभी हम ये चार मॉस्फेट खोला है, ये मॉस्फेट का नंबर है 5200। हम ये चार मॉस्फेट खोला है, हम इसको फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। हम बाजार रेंज में रख दिया है। देखिए अभी शॉर्ट नहीं है, अभी शॉर्ट नहीं है। तो ये जो हम चार मॉस्फेट खोला है, इसमें कोई खराब है, तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा मॉस्फेट खराब है। देखिए दोस्तों ये मॉस्फेट खराब है, ये शॉर्ट हो गया है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए ये शॉर्ट हो गया है, ये NPN मॉस्फेट है, लेकिन ये शॉर्ट हो गया है। देखा दोनों तरफ से मीटर शो कर रहा है। तो ये मॉस्फेट खराब है, पहले छोटा वाला दो मॉस्फेट और ये जो है 5200 ये एक खराब हो गया है। अभी हम ये तीन जो ठीक है इसको हम लगा लेंगे। नया मॉस्फेट हमने ले लिया है, इसका लेग हमने काट लिया है, जो 5200 ये हम इसको लगा लेते हैं, इसका हम लेग काट दिया है। तो ये जो मॉस्फेट है
5200 2SC5200 एक ख़राब था, वो हमने एक नया लगा दिया है और बाकी सब ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो छोटा वाला मॉसफेट दो था वो जो ख़राब हो गया है उसको हम लगाएंगे। उसका नंबर है IRF 150N 150N, ये दोनों हम नया लगा लेते हैं। ये जो तीन ख़राब हो गया है थ्री पीस। दोस्तों ये जो मॉसफेट है IRF 150N दोनों हम नया ले लिया है, इसको हम लगा लेते हैं। इसका पहले इसका जो लेग है इसको हम काट देते हैं, फिर उसको लगा लेंगे। ठीक है, ये जो ऊपर पास का जो मॉसफेट खराब हुआ था सब हमने फिर लगा दिया है। हम फिर से मीटर में चेक कर लेते हैं वो ठीक है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। बाजार रेंज में हम रख दिया है। ठीक दिखाता है। तो अभी हम ये जो नीचे साइड है इस साइड का, हम जो नीचे साइड का है इस साइड को हम देखेंगे। इस साइड में भी शॉर्ट है तो अभी हम इस साइड को खोल लेंगे। अभी हम इस साइड को खोल लेते हैं। इस साइड का हम ठीक कर लिया है, अभी इस साइड को हम चेक करेंगे और खोल लेंगे। हम तीन मॉसफेट खोला है, फिर से हम मीटर से चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो तीन हमने खोला है इसमें, ये जो हम तीन खोला है इसमें कोई खराब है। ये PNP मॉसफेट है, इस मॉसफेट का नंबर है 2SA1943 1943। ये PNPN है तो हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये शॉर्ट दिखाता है, ये शॉर्ट है। ये ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए ये जो मॉसफेट दूसरा मिस्त्री ने लगाया है ये बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है, इसलिए ये मॉसफेट मैच नहीं कर रहा है तो काट गया है। तो हम अच्छा वाला मॉसफेट लगा लेंगे।
जो इसके साथ मैच करते हैं, तो इसीलिए ये ख़राब हो गया है। ये दूसरा मिस्त्री ने इसको लगाया है, तो इसलिए ये मसपेट ख़राब हो गया है। एक बहुत घटिया कंपनी का मसपेट है, इसलिए ये ख़राब हो गया है। ये जो दोनों मॉस्फेट ठीक है, ये कंपनी का ओरिजिनल था, इसलिए ये ठीक है। और जो लगाया था वो ख़राब हो गया है, तो हम इसको लगा लेते हैं। एक नया ले लेंगे, यहाँ पर जो एक ख़राब हुआ था उसको लगा लेते हैं। अभी मॉस्फेट हम लगा देते हैं। जो मॉस्फेट खराब हुआ था वो हमने लगा दिया है। हम फिर से एक बार चेक कर लेंगे मीटर से, बाजार रेंज में हम रख दिया है, आप चेक कर लेते हैं। अभी शॉर्ट नहीं है। ठीक है, हम ये जो दोस्तों सब कुछ लगा दिया है, अभी हम ये जो बोर्ड खोल लेंगे, खोल के हम भीतर में कुछ है वो देख लेते हैं, सब कुछ ठीक है कि नहीं देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो जम्पर था, देखिए ये जो जम्पर था ये भी वास्ट हो गया है, ये भी वास्ट हो गया है। और ये जो फ्यूज है, देखिए ये फ्यूज भी वास्ट हो गया है, फ्यूज वास्ट हो गया है। तो हम इस जम्पर को हम कनेक्शन कर लेंगे और इसको भी हम कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो जम्पर था ये जो बास्ट हो गया है, हम इसको तार से कनेक्ट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो फ्यूज था, देखिए ये जो फ्यूज था ये भी ख़राब हो गया है। हम इसको भी एक वायर लेके फ्यूज बना देते हैं।
देखिए दोस्तों, हम एक वायर देके इसको कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसको वायर से काट देते हैं। ये फ्यूज भी ख़राब हो गया था और यहाँ पर जो जम्पर है वो भी खराब बास्ट हो गया है, उसको हम यहाँ से लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पर फ्यूज का भी कनेक्शन कर दिया है और जम्पर भी कनेक्शन कर दिया है, सब कुछ ठीक है। अभी हम इसको फिट कर लेंगे। अभी हम इसको फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सब कुछ हमने फिट कर दिया है और मीटर से चेक भी किया है, सब ठीक है। अभी हम लाइन देके इसको टेस्ट करेंगे। अभी हम लाइन देके टेस्ट करेंगे। दोस्तों हम लाइन दे दिया है, अभी पावर स्विच ऑन करते हैं। देखिए हम सीरीज लाइन में पावर दे दिया है। देखिए पहले चैनल ए का जो डिस्टर्ब था, देखिए वो अभी ठीक हो गया है। तो हम वॉल्यूम बढ़ा के साउंड देख लेते हैं। चैनल ए ठीक हो गया है, साउंड ठीक हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस साइड का जो डिस्टर्ब था वो हमने ठीक कर दिया है। फिर से एक बार हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। हो गया है। अभी हम चैनल बी का ठीक करेंगे। इसको हम ये जो चैनल है इस चैनल को हम फिट कर लेंगे। इधर से हम फिटिंग्स कर लेंगे। उसके बाद हम चैनल बी को ठीक करेंगे। चैनल बी का देखिए यहाँ पर पिग लाइट जल रहा है और साउंड भी नहीं है। ये देखिए कुछ भी साउंड नहीं है। तो हम चैनल बी का काम करेंगे। अभी हम चैनल ए को फिट कर देंगे, ठीक है। दोस्तों अभी ए साइड ठीक हो गया है। अभी ये जो बी साइड में जो पिग लाइट जलता है, तो हम इसी बोर्ड को खोल लेते हैं और इसको चेक करेंगे। तो हम इस बोर्ड को खोल लेते हैं। अभी हम इस बोर्ड को खोल लिया है, इसको हम चेकअप करेंगे।
जो बोर्ड है इसमें जो जेनर डायड है और ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो LM311 IC है, इसी कोई पार्ट्स, इसी अंदर कई पार्ट्स डिस्टर्ब है, तो हम इसको चेक कर लेंगे और देख के हम पता चलेगा कौन सा पार्ट्स ख़राब है, तो हम चेक कर लेते हैं। पहला में जो जेनर डायड है इसको हम चेक कर लेते हैं और ये जो टाइम स्टार है इसको भी चेक करेंगे। इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है इसको भी हम चेक करेंगे। हम बाजार रेंज में मीटर को दे दिया है। ठीक है, अभी जो साइन स्टार है इसको भी चेक करेंगे। टाइमस्टार ये जो टाइमस्टार है ये भी ठीक है। अभी हम ये जो रेजिस्टेंस है इसको चेक करेंगे। ठीक है, टेन के है, ये भी ठीक है, 47 है, ये भी ठीक है, 4.7 है, ठीक है, ये भी 4.7 है, ठीक है, और ये है 150 के है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 100 के है, ये भी ठीक है, ये 150 है, ये भी ठीक है, ये 100, ये 100 है, दोस्तों ये दोनों खोल के चेक करना पड़ेगा। ये डिजिटल मीटर में ठीक नहीं दिखा रहा है, तो हम इसको खोल के चेक करेंगे। ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने खोल लिया है, इसको खोल के चेक करेंगे। ये ठीक है, देखिए ये ठीक नहीं है, ये खराब हो गया है, देखिए ये खराब हो गया है, दोनों 100 के है, देखिए ये 100 के ठीक है, ये देखिए ठीक दिखा रहा है, ठीक है, ये देखिए ये ख़राब हो गया है, दोनों ये ख़राब हो गया। तो दोस्तों हम ये दोनों 100 के रेजिस्टेंस है ये दोनों को हम चेंज कर देते हैं,
ये दोनों को हम चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों 100 के हैं, इसको हम चेंज करेंगे। तो ये हमने 100 के दो रेजिस्टेंस ले लिया है, हम इसको लगाएंगे। हमने दोनों रेजिस्टेंस को लगा दिया है, दोस्तों अभी इधर का जो रेजिस्टेंस है हम इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसको भी हम चेक कर लेंगे। देखिए हम 200 के में रख दिया है, ये 100 के रेजिस्टेंस है तो हम चेक करते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये 4.7 है, 4.7 के भी ठीक है, 100 ठीक है, 4.7 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, 100 4.7 ये भी ठीक है, ये 100 है, देखिए हाँ ये भी ठीक है। अब ये जो जेनर डायोड है इसको भी हम चेक कर लेते हैं, हम बाजार मोड में रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ये भी ठीक है, जेनर डायोड भी ठीक है, यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। ये जो दोनों 100 के रेजिस्टेंस, इसमें एक ख़राब था, हमने दोनों को चेंज कर दिया है। तो अभी हम इसको फिटिंग्स करके चेक करेंगे, अभी हम इसको फिट कर लेंगे। अभी बोर्ड को हम फिट कर लेते हैं। इसको हम फिट कर लिया है, अभी हम चेक करेंगे। लाइन देते हैं, सीरीज लाइन में दे दिया है, अभी ऑन करते हैं। देखिए हम ऑन कर दिया है। देखिए दोस्तों ये जो पिग लाइट जल गया था वो अभी नहीं है, तो अभी हम गाना बजा के देखेंगे, अभी तो ठीक लगता है तो हम गाना बजाएंगे। तो गाने का लाइन दे दिया है, अभी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे।
दोस्तों अभी भी डिस्टर्ब है, अभी वॉल्यूम कम देने से पिग लाइट जलता है, तो देखेंगे उसका जो आईसी है वो ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो हम फिर से बोर्ड को खोल लेंगे, अभी बोर्ड को फिर से हम खोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर ये जो आईसी है 4558, हम इस आईसी को चेंज करेंगे। देखिए ये जो आईसी है इसको हम चेंज करेंगे। आईसीयू हमने खोल लिया है दोस्तों, देखिए 4558 आईसी, इसको हम खोल लिया है, एक नया आईसी लगाएंगे। दोस्तों 4558 आईसी हमने ले लिया है, इसको हम लगा लेते हैं। आईसी को हमने लगा दिया है, तो हम लगा दिया है, अभी हम चेक कर लेंगे। दोस्तों देखिए ये जो 4558 आईसी था, ये आईसी हमने चेंज कर दिया है। अभी हम एम्पलीफायर को चेक करेंगे। देखिए पहले यहाँ पर ये जो दोनों रेजिस्टेंस था 100K, ये ख़राब हुआ था, इसको भी हमने लगा दिया है। उसके बाद भी मैं पिग लाइट ठीक नहीं हुआ, तो इस आईसी को हमने चेंज किया है, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमने एम्पलीफायर में लाइन दे दिया है, अभी हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे। पहले हम चैनल ए का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। दोनों का लेवल ऐसे ही है और साउंड भी ठीक है। देखिए दोस्तों अभी एम्पलीफायर ठीक हो गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी हम इस एम्पलीफायर को फिटिंग्स कर लेंगे। ये ठीक हो गया है, अभी हम बंद कर देते हैं। बंद कर दिया है।